चमन
आत्मशक्ति
बनी रहती है, हम जगाए तो सही, लेकिन ये दुर्गा की शक्ति देखो, मैं आत्मा शक्ति तो थी लेकिन उन्होंने शरीर की शक्ति भी इतनी पैदा की थी कि महिषासुर थे वो डरे नहीं, लेकिन उसको वो मार पाए, वो महिषासुर भी कम नहीं था, फिर भी उन्होंने उसको रौंद डाला। क्यों रौंद डाला? उनकी शरीर की शक्ति थी। और ये जो नवरात्रि का जो त्यौहार है, ये शारीरिक शक्ति का भी त्यौहार है। हम जब उपवास करते हैं तब हमें लगता है कि हम वीक हो गए, हम कमजोर हो गए, नहीं, लेकिन हमारी जो पाचन शक्ति है और तेज हो जाती है और बाद में हम इतने ही शक्तिवान बन जाते हैं। तो उपवास का भी इतना महत्व है, इसीलिए किसी ने कहा है कम खाना और कम खाना। हम ज्यादा खा के परेशान होते हैं, कम खा के परेशान नहीं होते हैं। तो हम योगा करें, हम आपको ये एकता दीदी है, ये आपको योगा भी सिखाती है, ये तलवारबाजी है, तलवार को हम ना चलाएं, लेकिन हम हमारा शरीर ऐसा करें कि हमारे सामने कोई चार जब भी आ जाए तो हम डरे नहीं, उनको सीधा पंच दे के बता दे कि हमें कुछ कम नहीं है। कुकिंग हो, वेजिटेबल कटिंग हो, स्वीपिंग हो, मॉपिंग हो, डस्टिंग हो, पापा के ऑफिस का कुछ कंप्यूटर का काम हो, फिर सफाई का काम हो, टॉयलेट क्लीनिंग हो, कुछ भी काम हो, बस मम्मी हम कराते हैं, फिर आप आराम से बैठो, मम्मी को आप आराम से बैठने की अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, तो आपकी मम्मी आपके लिए ज्यादा स्वाध्याय कर पाएंगी, ज्यादा कुछ समय दे पाएंगी आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो एक घंटा आप मम्मी के लिए निकालो, मम्मी के लिए, पापा के लिए, दादी के लिए, दादा के लिए, एवरी डे वन आवर। तो इससे फायदा क्या होगा, आपकी मम्मी का, आपके पापा का, आपके दादी दादा सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो वैसे ही अब अगर दवाएं नहीं काम करती, इतनी दुआएं काम करती है, तो ये सभी दुआएं अगर आपको मिलेंगी तो आप और भी पावरफुल बन जाओगे, ठीक है। तो एवरी डे वन आवर, एग्रीड? डू यू एग्री? वन आवर एवरी डे,